हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशु ब्लॉग। फ्रेंड्स, हमने बनाई है वेज बिरयानी। सबसे पहले इसमें तेल डाला है कुकर में, फिर इसके बाद कुछ मसाले डाले हैं जैसे काली मिर्च, लौंग और भी बड़ी इलायची, प्याज डाला है। प्याज को अच्छी तरीके से भूनना है, मतलब थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद तो इसमें डालना है टमाटर, मिर्च और अदरक, लहसुन थोड़ा सा इसको छोटे पीसेस करके इसमें डाल देना है। टमाटर को थोड़ा मैंने बड़े पीसेस करे हुए हैं, मिर्च के भी, इसे भी अच्छे से पका लेना है। मटर डाल दिए मैंने, बॉयल मटर है ये, बॉयल मटर डाल दिए, उसको भी अच्छे से कर दिया फ्राई। फिर उसके बाद डाला है इसमें धनिया, वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा लाल मिर्च थोड़ा डाल रहा था क्योंकि हरी डाल चुकी हूँ मैं, इसलिए थोड़ी डाली थी लाल मिर्च। फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया मैंने, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। और ये थोड़ा सा इसको पकने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें चावल, बिरयानी चावल डाले हैं, अच्छे से मिला इसको मिक्स कर दिया है चावल को। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाए बिरयानी का, फूड कलर डाल दिया मैंने, अच्छे से इसको मिलाया। फिर इसमें अब डाल देंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं फिर ज़्यादा डाल देंगे तो चावल गल जाएंगे। फिर बिरयानी मसाला डाला है इसमें, बिरयानी मसाला डालने के बाद इसे मिला दिया, फिर बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। बस सीटी आ गई थी और ये हमारी बिरयानी तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही यम्मी, ये देखिए।